बेटा यहाँ पे मैंने तुम्हारे तीन चार ट्रायंगल्स बनाए हैं। ये पहला वाला कैसा है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा है? सम द्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। इसमें तीनों भुजाएं समान है 8-8 सेंटीमीटर की, इसमें दो भुजाएं समान है और इसमें एक भी भुजा समान नहीं है। अब हमें सिद्ध करना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल ए बी सी का जो योग होता है वो हमारा 180 डिग्री है। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो ये हमारा एक पहला वाला हमने लिया एग्जांपल, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसमें ये कोण दिख रहे हैं आपको? ये तीनों कोणों को मैं दिखाती हूं, ये देखिए, दिख रहा है सबको? सही है। अब हम इसको इनके कोणों को काट कर ये बताएंगे कि इन तीनों का योग 180 कैसे बैठता है। ये ट्रायंगल था जिसके तीनों कोण हम कहां लेंगे? यहां पर, ये सिद्ध करने के लिए। तो ले रहे यहां से, अब इसे हम यहां पे सेट करेंगे। कैसा कोण बन गया ये? दिख रहा है सबको कि हमने इसके तीनों कोणों को लिया और तीनों कोणों को इस D पे रखा हमने बने हुए पे, तो ये जीरो से लेके कहां तक बना हुआ है? 180 डिग्री का। तो इसने पूरा कवर कर लिया है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा जो तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज का वो कैसा होता है? 180 डिग्री। अब हम इन सारों को करके देखते हैं, ठीक है? ये तो हो गया हमारे पहले वाले का। दूसरा आ जाते हैं, जो हमारा दूसरा प्रकार क्या है? सम द्विबाहु, जिसमें कम से कम दो भुजाएं समान होती हैं। ये रखे हमने इसके कोण यहां पे, ये मैं इसलिए रख रही हूं कि ताकि तुम देखो कि बाकी में इसी एंगल के हैं। ठीक है, इसी के कोण है ये। अब हम क्या करेंगे, इसके तीनों कोणों का योग हमें 180 सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इन सारों को उठा के इस डी के ऊपर रखे देखेंगे कि वाकई में ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं। तो ले ले, आइए इधर, ये हमने ये तीनों डी के ऊपर रख दिए। कितना आ रहा है इसका योग बताइए? 180। तीनों कौन है? जीरो से लेके 180 तक बना हुआ है और इसका तीनों का योग भी कितना आ रहा है? 180 डिग्री। इसी तरह से अगर तुम तीनों चारों को करके देखोगे तो सबका तुम्हें यही समान मिलेगा कि तीनों कोणों का योग कितना आता है? 180 डिग्री। अच्छा, ये चीज तो क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, चतुर्भुज जो होता है उसमें चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगर तुम चतुर्भुज के सारे कोणों को काट के देखोगे और इसी तरह नाप के देखोगे तो वो भी 360 ही निकलेंगे। ऐसे तुम्हारा सर्कल होता है, सर्कल के बीच का कोण अगर तुम काटोगे तो कितना बैठेगा? पूरा 360 डिग्री। तो इससे हमें ये सिद्ध करते हैं कि हमारे त्रिभुज में जो ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ये हमारे सिद्ध होती है इस प्रैक्टिकल के माध्यम से कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।